सीएम नीतीश कुमार के 70 साल पूरे होने पर उनके गृह क्षेत्र नालंदा जिले में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवनपुरा पंचायत में केक काटकर सीएम का जन्मदिन मनाया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी अपने पैतृक गांव मालती में केक काटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को बिहार की जनता ने सराहा है। जमुई जिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान झाझा में दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया। सभी ने नीतीश को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में सीएम नीतीश कुमार ने पटना के आईजीआईएमएस में वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। डोज लेने के बाद वे करीब 30 मिनट तक डॉक्टरों की देखरेख में रहे। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री का 70वां जन्मदिन भी है। ऐसे में जन्मदिन के मौके पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचाव के साथ ही सीएम नीतीश ने पूरे राज्य को एक संदेश दिया है कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है और इसे लेने से किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वैक्सीनेशन का, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज आईजीआईएमएस में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं सब जगह इन सब चीज़ों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है और आईजीआईएमएस से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहां पर आकर के लोगों के बीच में, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। पीएम मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी टीका का पहला डोज लगवा लिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम और विधायकों को लगने वाले टीके में काफी अंतर हो सकता है। उन्होंने टीकाकरण में फर्जीवाड़ा सामने आने की बात कही है। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेने के बाद ही वैक्सीनेशन लेने का काम करेंगे। जब वो डॉक्टर राय देंगे तभी हम वैक्सीनेशन लेंगे। हमको आशंका है कि वैक्सीनेशन कहीं प्रधानमंत्री के लिए रवाना हो, माननीय मुख्यमंत्रियों। कोरोना वैक्सीनेशन पर आरजेडी नेता मंटू तिवारी ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक वे इसकी जांच नहीं करवा लेते तब तक वैक्सीन नहीं लेंगे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना का वैक्सीन लिया है, जिसके बाद विपक्ष के नेता सवाल खड़ा करने में लग गए हैं। बिल्कुल, और ये हम लोग की तरफ से मांगे कम से कम सरकार पूरे देश भर में जिनको जिनको टीका लग गया पहले चरण में या पहले ही, ये जरूर निर्गत करना चाहिए कि इतने लोगों को, इतने हजार या इतने लाखों लोगों को टीका लगा, इन लोगों को के बाद ये बीमारी नहीं पाएगी, ये इससे सुरक्षित है, इसलिए जनता के बीच में आज से। आरजेडी नेताओं के वैक्सीन पर सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने पलटवार किया है।
बीजेपी विधायक और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो देश के कोरोना वैक्सीन पर भरोसा कैसे करेंगे। मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला डोज लिया है और हम लोग भी लेंगे। लेकिन आरजेडी के विधायक कह रहे कि हमको भरोसा नहीं है। देखिए, उनको खुद पे भरोसा नहीं है और मेरा ये मानना है कि आज देश। पूर्वी चंपारण जिले के जेडीयू महिला सेल के अध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम सिन्हा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसे लेकर वो जिले के एसपी से लेकर राज्य के डीजीपी तक से गुहार लगा रही हैं। दरअसल मामला वर्ष 2018 से जुड़ा है, जब कुमकुम सिन्हा की हत्या की साजिश रचने के दौरान पुलिस ने 7 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक नामजद अपराधी मासूम खान को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। पीड़िता का कहना है कि मासूम खान ही अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज भेज रहा है। कुमकुम का कहना है कि मासूम खान कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में मंच पर भी दिखा था। द्वारसर थाना पकड़ीदयाल जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। खगड़िया में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 सगे भाइयों को बुरी तरह कुचल दिया, जिस कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पंसलवा गांव के निवासी भानु कुमार और सुमन कुमार के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। 2 सगे भाइयों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर नेशन न्यूज पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। कांग्रेस ने सीतामढ़ी जिले के पिछले दिनों शराब माफिया के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दारोगा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि शराब माफियाओं पर सरकार अंकुश लगाने में विफल रही है। जी, बिहार सरकार कहती है कि शराब बंदी बहुत ही सफल कार्यक्रम है, लेकिन 6 बजे के बाद गांव में जाइए तो लोग शराब पी करके इस तरह से घूमते हुए मिल जाएंगे कि आपको लगेगा शराब बंदी की धज्जी उड़ रही है। 24 तारीख की जो घटना घटी है बिहार में, दिनेश राम जी एसआई की जो हत्या कर दी गई शराब माफियाओं द्वारा, तो ये इसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ, ताकि इसके जो सरगना है, जो जड़ में बैठे हुए लोग हैं, उन तक कानून पहुंचे, उनको सजा दे फांसी की, ताकि इस तरह की घटना बिहार। और पटना में इन दिनों बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने में पुलिस असफल साबित हो रही है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चकमा देते हुए एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। एक डेड बॉडी मिला है, गोली लगी है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। कुछ पता चल पाया सर? अभी तक कुछ पता नहीं चला। गाड़ी है, एक गाड़ी जिसका नंबर भी तो आपको बता दें कि पटना में इन दिनों बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने में पुलिस असफल साबित हो रही है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चकमा देते हुए एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे मौके में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है।